नमस्कार, जनतंत्र न्यूज में आपका स्वागत है। राजधानी लखनऊ में पीआईडी महिला जवान सरोज कुमारी की आज सुबह डिलीवरी के दौरान झलकारी बाई अस्पताल में सुबह मृत्यु हो गई, जिसमें जच्चा व बच्चा दोनों खत्म हो गए। महिला के पति राजकुमार ने डॉक्टरों पर लगाए गंभीर आरोप और उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की लापरवाही से ही उनकी पत्नी की मृत्यु हुई है। उनके द्वारा डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई की शासन से मांग की है। पीआईडी की महिला जवान सरोज कुमारी विशेष सचिव प्राविधिक शिक्षा कृपा शंकर सचिवालय के यहाँ तैनात थी। लखनऊ से जनतंत्र न्यूज़ की खास रिपोर्ट। आपकी महिला जो इंस्पायर हुई है, इनका नाम सरोज देवी है और जिला उन्नाव की रहने वाली है। यहाँ सचिवालय प्रशासन में प्रौद्योगिक शिक्षा में विशेष सचिव के साथ ड्यूटी के जगह पर तैनात थी और ये ड्यूटी करती थी और ये प्रेग्नेंट थी, तो यहाँ अपने उन्नाव से ये झलकारी बाई में आए कि यहाँ हमारी सही से डिलीवरी हो जाएगी। और यहाँ जब ये एडमिट हुई है बिल्कुल स्वस्थ थी। जच्चा बच्चा एडमिट कब हुई थी? कल 11 बजे एडमिट हुई यहाँ और आज सुबह ये सुबह भी सही रही है। इनके देवरानी और इनके पति दोनों लोग साथ में थे, दोनों लोग से बातचीत हुई कि बिल्कुल स्वस्थ थी। उसके बाद अंदर जब ये इनको बाहर कर दिया गया कि अंदर इनको ले गए जहाँ पे डिलीवरी होती है वहाँ पे, जब सरोज देवी को ले जाया गया अंदर, उसके थोड़ी देर बाद तो इनकी देवरानी को बाहर कर दिया गया और इनके हस्बैंड से बोला गया कि आप जाइए, सीजन होगा और आप ब्लड लेके आइए। वो ब्लड लेने चले गए। उसके बाद जब वो ब्लड लेके आए तो इनको ये दवा दिया गया कि आपकी वाइफ एक्सपायर हो चुकी। अब ये हम यहाँ के स्टाफ वालों से ये पूछना चाहते हैं कि इनके साथ इतनी बड़ी लापरवाही करते हुए इनको जरा सी शर्म नहीं आई? उनकी दो बच्चियाँ हैं, दो लड़कियाँ हैं। अब मुख्यमंत्री बच्चे का क्या हुआ? और ये इनके पति हैं जो बेरोजगार हैं बेचारे। अपना नाम बताइए। बोलिए, राजकुमार नाम है मेरा। बताइए क्या समस्या बता, क्या हुई? समस्या क्या, हमारे भी बच्चे की डिलीवरी होने वाली थी लेकिन यहाँ की लापरवाही जो होगी तो बच्चे को हमारे को बचाने का ना वाइफ को हमारी बहुत हम दुखी है। हमारे को ना बच्चे को बचा पाओ, टाइम टाइम पे बताएं कि ऑपरेशन होगा और वो भी बताएं कि आपका ऑपरेशन है, ब्लड ला के जाओ। हमको भेज दिया सिविल कि वहाँ से ब्लड ला के आओ और यहाँ जब तक आए तब तक बोले कि खत्म हो गए, हम तो बर्बाद हो गए सर। क्या डॉक्टर ने क्या पोस्टमार्टम क्या वो रिपोर्ट बनाई? क्या रिपोर्ट बनाई? रिपोर्ट अब वो कह रहे हैं कि अभी हम जब हमारे लिखित में दोगे तब हम आपको रिपोर्ट वैसे दे वैसे तो दिए। क्या लिखित में मांग रहे हैं वो? कह रहे हमें लिखित दो जब वैसे जो हम आपको नहीं, कारण क्या था? क्या कारण बता रहे हैं वो डॉक्टर, क्या कारण बता रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि बच्चा होने वाला था तभी हमारी जबकि यहाँ कहने लगी थी उसको देख लो डॉक्टर सर, कहना कि ये बच्चा अपने आप ही पैदा करेगी, ये कोई सारी जरूरत नहीं। अब हम लोगों को तो बाहर ही करते हैं, हमको तो पता नहीं है कैसे है, यहाँ पे यही लोग बता सकते हैं क्या बात है, हमको तो अंदर जाने ही नहीं। आप बॉडी वहाँ से लेके आए अंदर से तो डॉक्टर ने कुछ लिख के दिया कागज? कुछ कागज दिया है? क्या लिखा है उसमें? पढ़े लिखे तो है नहीं सर ज्यादा, ये देख पढ़े लिखे है नहीं, ये बताइए बताइए बुलाया गया था, ये भी दिखाया गया है कि ये बच्चा पेट में ही मर रहा है, इसकी जानकारी आपको है और जो भी सीजर होना है जिम्मेदारी आपको नॉलेज में ये सब दिखाया गया है। तो इनको अकेले में ऊपर ले जाकर मैडम जैसे ही ये आई है उनको बुला के अकेले बोला गया है खर्चा पानी देंगी 100 रुपए इन्होंने दिया कि पहले हमें चाय के लिए एनर्जी के लिए पैसे दीजिए खर्चा के लिए, उसके बाद जब डिलीवरी होगी फिर हमको खर्चा दीजिएगा। और सुबह में भी नाइट वाला स्टाफ बोल के गया है कि जब हम आएंगे शाम को तो बच्चा नॉर्मल हो जाएगा आपका और हमें शाम को दीजिएगा। अंदर डॉक्टर से बात हुई? कौन से डॉक्टर से? जो भी सीनियर डॉक्टर उनसे बात हुई? सीएमएस से बात हुई। सीएमएस ने क्या कहा? सीएमएस ने कहा कि आप हमें रिटर्न में डॉक्टर
के लिए लिखित दीजिए, तभी हम कार्रवाई करेंगे, वरना हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो आप लोग बाहर कैसे लेके आए? वही लोग लेके आए, वही लोग अब आप लोग क्या करेंगे? करेंगे क्या?